तिया 12 और x को मैंने 2 बार लिखा, यहाँ 3 और x लिख, बोलो बच्चों। इस प्रश्न के बाद हम थोड़ी देर, 2-5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, है ना, और उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। इस क्वेश्चन को मैं कंप्लीट कर दूं, यहाँ पर 3 और x, ये 2 चीजें ऐसी हैं जो मुझे लग रही हैं कि कॉमन में ले सकती हूँ, तो मैंने बाहर ले ली। और यहाँ पर 4x माइनस 1, माइनस 1 यहाँ से कॉमन लिया, तो ये भी आ गया 4x माइनस 1। अब ये 4x माइनस 1 और 4x माइनस 1 दोनों एक जैसे हैं, तो इनको भी मैं बाहर ले सकती हूँ। तो यहाँ पर आपका बचा 3x और यहाँ बचा आपका माइनस 1, ठीक है। तो ये जो है हमारे गुणनखंड हो गए। अब इसके बाद हम आपसे बात करते हैं थोड़ी। बच्चों एक बार हम फिर से 12x² + 7x + 1 के गुणनखंड देख लेते हैं कि हम क्या करेंगे। तो 12x² - 7x + 1 में से जो हमारा उद्देश्य है कि हम क्या सोचेंगे इसके गुणनखंड करने के लिए, तो हम क्या सोचते हैं कि सबसे पहले तो हम ये जो 7x लिखा है इसके ऐसे 2 भाग करते हैं जिनका आपस में गुणा करने पर क्या आ जाए, पहले और आखिरी इन 2 के गुणनफल के बराबर आ जाए। तो पहले और आखिरी का गुणा करके हमने चेक किया कि यदि 12x² का हम 1 में गुणा करते तो 12x² ही आता। तो यहाँ पर 7 के हमने 2 भाग करने का जब प्रयास किया तो हमारी जितनी गैसिंग थी वो क्या थी, 7 के 2 भाग 1 और 6 7 होता है, लेकिन 1 और 6 का यदि हम गुणा कर रहे तो 12 नहीं आ रहा। एक्स बेटा बच्चों, एक्स जो है वो आपके सामने है, एक्स का एक्स में गुणा करेंगे तो x² होगा। अभी हम सिर्फ किसकी बात करते हैं, 7 की बात करें। तो हमने 2 और 5 को भी देखा स्प्लिट करके कि 2 और 5 जो है, यदि हम 7 को 2 और 5 के रूप में लिखते हैं तो 5 दूनी भी 12 नहीं आ रहा। और आगे बढ़ते हैं तो 3 और 4 के रूप में यदि मैंने इसको स्प्लिट किया, तोड़ा, है ना, विभक्त किया, तो 4 और 3 का गुणनफल जो है वो 12 आ रहा है। और यहाँ पर भी देखने में समझ में आ रहा है कि 3x और 4x का हम जैसे ही गुणा करते हैं तो 12x² हमें मिल रहा है। यही काम आपको करना है बस, कि मिडिल टर्म यानी बीच वाले पद को जब हम तोड़ें तो उसके दोनों भागों का योगफल आए, जो जिसे तोड़ रहे हैं वो, भाई तोड़ रहे का क्या मतलब है, इसी को तो हम ब्रेक कर रहे हैं ना, तो इसका योग वही होना चाहिए। और इन दोनों का आपस में जो गुणनफल है वो क्या होना चाहिए, पहले और आखिरी पद के गुणनफल के बराबर होना चाहिए, ठीक है। ऐसा हमने किया और इसके बाद जब 4 टर्म हमारे पास या 4 पद प्राप्त हो गए तो हमने पहला और दूसरा अलग कर लिया और तीसरा और चौथा अलग कर लिया, यानी 2-2 के हमने जोड़े बना लिए। अब इन जोड़ों में से भी हमें कुछ कॉमन लेना है और ये प्राप्त करना है कि जो ब्रैकेट में हमारे पास प्राप्त हो वो एक जैसा हो। तो आप अपने दिमाग को बिल्कुल सेट कर लीजिए कि यदि हम गुणनखंड कर रहे हैं तो हम क्या क्या काम करेंगे। पहला काम, हम बीच वाले पद को तोड़ेंगे, तो बीच वाले पद को ऐसे ही नहीं तोड़ेंगे, नियम कायदे के अंदर तोड़ेंगे। और हमारा नियम ये है कि ऐसे 2 भाग हो जिनका आपस में गुणनफल पहले और आखिरी पद के गुणनफल के बराबर हो। दूसरी बात, हमारे पास जो 4 पद प्राप्त हुए हैं उसमें से पहला, दूसरा और तीसरा, चौथे को हम जोड़ा बना लेंगे। और जोड़ा बनाने के बाद हम देखेंगे कि पहले और दूसरे में से कुछ कॉमन ले सकें
और तीसरे और चौथे में से भी हम कुछ कॉमन ले सके। तो बच्चों यहाँ पर हमने देखा कि 12 को हमने लिखा ती चौके 12, 3 × 4, एक्स स्क्वायर को हमने लिखा एक्स गुणित एक्स और 3x को लिखा 3 × x। मैंने यहाँ पर 3 को बाहर निकाला और x को भी बाहर निकाला तो मेरे पास आया 4 और x आया, माइनस का साइन लगा के कितना आ गया, 1 आ गया। इसी प्रकार माइनस का ये चिन्ह है और 1 को यदि मैंने कॉमन लिया तो कितना आ गया, 4x-1। बच्चों ऋण का चिन्ह यदि हम कॉमन लेते हैं तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। क्यों बदलेगा, क्योंकि बाहर भी ऋण है और ये भी ऋण है, तभी हमें ये धन एक की प्राप्ति होगी। अब हमारे पास ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट यानी दो गुणनखंड जो है वो कॉमन है तो मैंने उसे बाहर निकाल दिया। तो इसके साथ गुणा के रूप में 3x लिखा था उसको लिखा और इसके साथ गुणा के रूप में जो कुछ लिखा था वो भी मैंने लिख दिया। तो मेरे पास फाइनल जो उत्तर आया वो आया 4x-1 × 3x-1। यदि आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं उत्तर सही है या नहीं तो चेक कर लीजिए। 4x-1 को यदि हम 3x-1 से गुणा करें तो हम 4x को 3x-1 से और -1 को 3x-1 से गुणा कर लेते हैं तो 4 किया 12x² आया और इसका किया तो 4x आया। एक का गुणा करने से 3x आया और एक एकम एक आया और 4 और 3 मिलके हो गया 7 और ये हो गया, तो हमें वही प्राप्त हो गया जिसके कि हमने गुणनखंड ज्ञात किए थे, यानी उत्तर हमारा बिल्कुल 100% सही है। ठीक है, दूसरा प्रश्न हमारा था 6x² + 5x-6। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे कि हमारा जो उत्तर है पहला और आखिरी मिला के 6x² और -6 यानी ऋण 36x² आना चाहिए और ये ऋण का चिन्ह इस बात को व्यक्त करता है कि 5 को यदि आप तोड़ रहे हैं तो 1 और 4 5, 2 और 3 5 ऐसा बिल्कुल नहीं तोड़ पाएंगे, क्योंकि ऐसे में आप दोनों के चिन्हों को समान रख रहे हो और यहाँ का ऋण चिन्ह ये कहता है कि आपको चिन्ह असमान चाहिए। असमान चाहिए का मतलब है आप हमेशा 5 को इस प्रकार से तोड़ोगे कि एक तो 5 से बड़ा आए और दूसरा छोटा आए। ठीक है, तो हम फिर 6 और 1 से शुरू करते हैं, 6 में से 1 गया 5, 7 में से 2 गया 5, 6 में से 1 गया 5 हो रहा था लेकिन 6 एकम 36 नहीं हो रहा, 7 में से 2 जाने पर 5 आ रहा है लेकिन 7 दूनी 36 नहीं हो रहा, 8 में से 3 गया तो 8 में से 3 गया 5 हो रहा है लेकिन 8 3 36 नहीं हो रहा है, तो 9 में से 4 घटा के देखते हैं तो 9 में से 4 गया तो 5 भी आ रहा है और 9 चौके 36 भी हो रहा है, तो यहाँ पर हम 9 में से 4 घटा के 5 की जगह पे लिख देते। ठीक है, अब हम जब ब्रैकेट खोलते हैं तो हमारे पास आया इस तरीके से, 6 को लिखेंगे 3 × 2 और xx और यहाँ लिखेंगे 3 × 3 और x, 4 को लिखेंगे 2 × 2 और x और 6 को लिखेंगे 2 × 3। चिन्ह लगाना है तो लगाइए, नहीं तो डॉट से भी आप व्यक्त कर सकते हैं, इस लाइन को लिखने की आवश्यकता नहीं है बच्चों, लेकिन आप इसे शुरुआती तौर पर सीख रहे हैं इसलिए ये सब बताना जरूरी समझती हूँ मैं कि ये इस प्रकार से आपको समझ में आएगा। अब 3 हम दोनों में है तो कॉमन ले सकते हैं, x यहाँ भी है और यहाँ भी है तो कॉमन ले सकते हैं। कुछ और दिख रहा है क्या आपको, तो मुझे तो नहीं दिख रहा इन दोनों के बीच में, तो 3 को मैंने बाहर लिया, x को बाहर लिया तो मेरे पास बचा 2 और 1 x। बहुत सावधानी से देखिए आप, धन का चिन्ह लगाया, 3 बाहर ले चुके हैं, x भी बाहर ले चुके हैं,
तो सिर्फ बचा है यहाँ पर तीन। आप उसमें छोटी सी बिंदी ऊपर रख सकते हैं, राइट का चिन्ह लगा सकते हैं, क्रॉस लगा सकते हैं जिसको कि आपने बाहर ले लिया, और जिस पर कोई चिन्ह नहीं लगा है, जैसे कि दो पे नहीं लगा, एक्स पे नहीं लगा, तो मैंने इसको लिख दिया। यहाँ पर भी तीन और एक्स को मैं बाहर ले चुकी हूँ, और तीन पर नहीं लगा था तो मैंने तीन यहाँ पर लिख दिया। अब बच्चों दोनों में ऋण है तो मैं ऋण को ही कॉमन ले लेती हूँ, और टू मुझे दिख रहा है दोनों में है, और मैं ढूंढती हूँ ये टू है लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ एक्स है लेकिन यहाँ नहीं है, तो अब और कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। तो अब शेष बची चीजों में से टू है और एक्स है, क्योंकि मैंने ऋण को कॉमन ले लिया है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, और यहाँ पर टू के बाद जो शेष बचा है वो है तीन। अब इस पूरे ब्रैकेट में और इस पूरे ब्रैकेट में 2x प्लस 3 एक ऐसा गुणनखंड है जो कॉमन है, उस पूरे ब्रैकेट को ही मैं बाहर ले लेती हूँ, तो जो शेष बचा है वो है 3x और यहाँ जो शेष बचा है वो है 2। इस प्रकार से हम गुणनखंड को ज्ञात करते हैं। तो बच्चों बहुत प्रैक्टिस की इसमें आवश्यकता है, आप जरूर इन सारे प्रश्नों को घर जाके बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज कीजिए। अगला एक गुणनखंड हम देखते हैं 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 का। तो इसमें भी सेम वही बात होगी कि 3 दूनी 6x स्क्वायर हम लाने का प्रयास करेंगे, किसको तोड़ के 7x को तोड़ के। यहाँ धन का चिन्ह है तो दोनों पद जो होंगे वो मेरे धनात्मक होंगे, इसलिए यहाँ भी बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है। तो 7 के दो टुकड़े किए 1 और 6, 1 और 6 करने से 6 आ रहा है, तो हम ट्राई कर लेते हैं कि क्या 1 और 6 करने से हमारा उत्तर बन रहा है क्या। तो 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6x प्लस 3। अब बच्चों थोड़ा सा हम डायरेक्ट भी इस पे मेथड लगाएंगे कि 2 हमारा बाहर नहीं आ रहा लेकिन x आ रहा है, तो x कर लिया, जो शेष बचा वो 2x है, यहाँ से पूरा x बाहर हो गया तो सिर्फ 1 बचेगा अपनी जगह पे, 6x और 3 में से 3 को बाहर निकालेंगे तो 2x और 1 बचा, सो 2x प्लस 1 और x प्लस 3 आपको यहाँ पर मिल गए। ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारे सवालों को आप इन तरीकों के द्वारा कर सकते हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट प्रश्नों या विशेष प्रश्न जिनको हम कहें कि जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है, वो ये भी है कि यदि आपसे 105 गुणा 106 कहा जाए तो आपके पास बहुत सारे तरीके हैं, सीधा सीधा गुणा भी कर सकते हैं, लेकिन ये कहा जाए कि सर्व समीका का उपयोग करते हुए आप इसे हल करें तो आप क्या करेंगे, तो आप इसे लिखेंगे 100 धन 5 और 100 धन 6, ऐसा लिख लेंगे। ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आप एक सर्व समीका को पहचानते हैं, जानते हैं, जिसमें एक जैसी चीज यानी x एक है आपके पास, और धनात्मक में दोनों चीजें डिफरेंट है, एक बार a जुड़ा और एक बार b जुड़ा है, लेकिन इसका सीधा सीधा उत्तर आता है एक्स स्क्वायर प्लस दोनों राशियों का योग गुणा x और दोनों राशियों का गुणन। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 100 का वर्ग यानी एक्स स्क्वायर, ये दोनों राशियों का जोड़ 5 और 6 गुणा में आ जाएगा 100, क्योंकि x लिखा है, और बाद में आता है दोनों राशियों का गुणा। तो इससे क्या होगा, करना थोड़ा आसान हो जाएगा, सीधा 1100 और 5 6 30 और हम इसे जोड़ देंगे, जोड़ दीजिए, ये हो गया, फिर 1100 हो गया और यहाँ पर 5 6 30 हो गया, तो 0, ये 3 1 1 1 करके देख लीजिए आप। 105 का 106 में किया तो गुणा करने में भी शायद देर लगेगी, 6 5 6 30, 6 1 6 0 0 0, 5 1 5, या पूरा 105 ही लिख दीजिए, तो 0 3
6511 की एक साथ में आई एक, ये देख लीजिए। तो ये कैसे भी आप करें उत्तर आपका बराबर आ रहा, लेकिन सर्व समीका का उपयोग करके आपने इसको इस प्रकार से प्राप्त कर लिया। ठीक है, और देखिए आप, कभी कभी ऐसा भी होता है जैसे 51 के स्क्वायर में से 50 का स्क्वायर घटाना है तो काफी टाइम लग जाएगा। 51 का स्क्वायर करें फिर 50 का स्क्वायर करें, और यदि हमें सर्व समीका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पता है तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए की जगह पे 51 और बी की जगह पे लिखेंगे 50, तो सीधा सीधा 51 धन 50 लिखेंगे और 51 ऋण 50 लिखेंगे। 51 ऋण 50 तो एक आ गया, तो हमारा काम ही खत्म हो गया। सीधे सीधे हमें 101 में क्या करना पड़ेगा, एक का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 101। आपको ऐसा लगता है कि उत्तर सही है या नहीं, तो आप घर जाके 51 का वर्ग करिए, फिर 50 का वर्ग करिए और देखिए कि 101 आता है या नहीं आता। ठीक है, ऐसे ही यदि 9 के वर्ग में से आपको 8 का वर्ग घटाना है तो आप 9 * 81 करिए, 6 8 8 64 करिए, वैसे घटाइए, और नहीं तो आप 9 में 8 जोड़िए और 9 में से 8 घटाइए। घटाने की भी आवश्यकता नहीं है, यदि आपको बहुत फास्ट आ गया है तो समझ में आता है कि एक का ही तो अंतर है, तो सीधे सीधे उत्तर कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। ठीक है, तो सर्व समीकाओं का उपयोग करके हम अपने कैलकुलेशंस को भी बहुत आसान बना सकते हैं। ठीक है, अब हम आपसे थोड़ी देर निर्देशांक ज्यामिति पर भी चर्चा करेंगे, थोड़ी सी ज्यामिति और थोड़ी आपकी निर्देशांक ज्यामिति क्या कहती है। तो देखते हैं बच्चों, आपकी निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति में हमारे पास x अक्ष और y अक्ष, ठीक है, ये हमारा x अक्ष है और ये हमारा y अक्ष। हमारे तल को, कागज के तल को दो अक्षों ने विभक्त किया, तो मेरे ख्याल से आपको दिखाई दे रहा है, यदि मैं इसको पूरा पूरा आगे बढ़ा दूं तो आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है कि मेरे कागज को इन दो अक्षों ने 4 भागों में बांट दिया, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो 4 भागों में बांटा है इसलिए मैं इसको चतुर्थांश कहूंगी, चतुर्थ यानी चौथा, अंश यानी हिस्सा। तो ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा चतुर्थांश है, ये तीसरा चतुर्थांश है और ये चौथा चतुर्थांश है। जिन बिंदु पर हमारे दोनों अक्ष एक दूसरे को काटते हैं वो मूल बिंदु कहलाता है और उसे हम 0 0 से व्यक्त करते हैं। ठीक है, एक्स अक्ष पर यदि हम चलें तो वाई जो है ऊपर, क्योंकि हम बिल्कुल नहीं जा रहे हैं, तो एक्स अक्ष पर वाई का मान क्या होता है, 0 होता है, और यदि y अक्ष पर चले तो x का मान क्या होता है, 0 होता है। तो यदि हम किसी निर्देशांक की बात करें तो निर्देशांक क्या होते हैं कि हम, यदि हम निर्देशांक की बात करें तो x अक्ष पर हम कितना चले और उसके बाद y अक्ष पर कितना चले, ये होते हैं किसी भी बिंदु के निर्देशांक। तो हम एक अक्ष बना के प्लॉट करके देखते हैं कि यदि हमें 2 और 3 को तल में निरूपित करना है तो x और y ये है हमारा, हम अपनी ये जो बनाया है उसको हम 1 2 3 भी लिख देते हैं, यहाँ पर हमारी सारी ऋणात्मक संख्याएं आएंगी। ठीक है, y अक्ष में यदि हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो 1 2 3 4 5 ऐसा आता है, नीचे की तरफ यदि हम जाते हैं तो y की नेगेटिव वैल्यूज आपके पास यहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ यदि कोई बिंदु 2 3 है
तो 2-3 यदि यहाँ पर है और हमें व्यक्त करना है कि 2-3 कहाँ होगा, तो पहला कोऑर्डिनेट होता एक्स का और दूसरा होता है वाई का। जो पहला लिखा है उतना हमें एक्स अक्ष पर चलना पड़ेगा। यदि 2 लिखा है तो हम एक्स अक्ष पर 1 चले, फिर एक और चले तो 2 चल लिए। अब हमें वाई अक्ष पर कितना चलना है, 3 चलना है, तो हम ऊपर की तरफ 1, 2 और 3 जैसे ही चले तो हमारे पास ये क्या मिल गया, 2-3 बिंदु मिल गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी बिंदु को यदि हमें प्लॉट करना है, अंकित करना है, तो हमें कहां से कहां जाना है। 2-3 बोले तो एक्स अक्ष पर आप चलो 2 और फिर वापस मत आओ, वहीं से मुड़ के वाई अक्ष पर जितना भी लिखा उतना ऊपर चलने लग जाओ। यदि यहाँ पर लिखा होता 2-3 तो मैं एक्स अक्ष पर 2 चलती और माइनस का मतलब फिर मैं नीचे 3 चलती, 1, 2 और ये 3। ठीक है, तो ये हो जाता 2-3। इसी प्रकार से यदि मेरे पास बिंदु होता -2+3 तो मैं सबसे पहले एक्स अक्ष पर -2 चलती, -2 तो बाईं तरफ चलते, और +3 बोला इसलिए मैं ऊपर की तरफ जाऊंगी। ये बिंदु हो गया -2 और +3। यदि -2, -3 की बात होती तो हम यहाँ पर 1, -2 तक जाते और फिर नीचे की तरफ चलना प्रारंभ करते और -3 तक आ जाते, तो -2, -3 ये आपको पॉइंट मिल गया। तो बिंदुओं का अंकन किस प्रकार से करते हैं कि जो भी बिंदु रख लिया गया है या आपसे पूछा गया है उस बिंदु को आप देखिए कि पहला जो नंबर आपको दिया गया है वो एक्स अक्ष पे चलने के लिए है और जो कॉमा लगा के दूसरा दिया है वो वाई अक्ष पे चलने के लिए है, उसे हम उसके एक्स निर्देशांक और दूसरे को हम उसके वाई निर्देशांक कहते हैं। ठीक है, तो पहले चतुर्थांश में हमारे पास जो दोनों पॉइंट मिल रहे हैं उसमें दोनों निर्देशांक पॉजिटिव पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। जो दूसरे में है उसमें पहला वाला हमें नेगेटिव दिखाई दे रहा है और दूसरा वाला पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। तीसरे वाले में हमें पहला तो पॉजिटिव दिखाई दे रहा है और दूसरा नेगेटिव दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर नहीं, यहाँ दोनों नेगेटिव, ये वाला पॉइंट है हमारा, यहाँ दोनों नेगेटिव है, और चौथे वाले में पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव दिखाई दे रहा है। इसको हम थोड़ा फिर से लिख लेंगे कि कौन से चतुर्थांश में यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव पॉजिटिव है, यहाँ पर एक्स नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है, यहाँ पर एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है। अब हमारा प्रश्न है, ये मूल बिंदु है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई है, ये एक्स डैश है और ये वाई डैश। अब हमारा प्रश्न है कि बिंदु 2-3 किस चतुर्थांश में होगा, किस चतुर्थांश में होगा। तो बच्चों हम देखते हैं 2-3, पहला वाला धनात्मक और दूसरा वाला ऋणात्मक, चलते हैं प्लस प्लस, यहाँ तो नहीं हो सकता। पहला धनात्मक दूसरा ऋणात्मक, पहला ऋणात्मक यहाँ भी नहीं हो सकता, दोनों ऋणात्मक यहाँ भी नहीं हो सकता, तो फिर कहाँ होगा, पहला धनात्मक दूसरा ऋणात्मक, तो उत्तर क्या होगा कि ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड और ये फोर्थ, ऐसे चलना आपको, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो ये कौन से में होगा, चौथे चतुर्थांश में होगा। ठीक है, एक और प्रश्न देखते हैं, ऋण 4 ऋण 5। देखिए ऋण 4 और ऋण 5, ऋण 4 उंगलियों से बता सकते मुझे, पहला दूसरा तीसरा चौथा इशारे से बताइए, चौथे में नहीं बेटा, ऐसे करके बताइए, 1, 2 कौन से में होगा, दूसरे में, तीसरे में, वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे मुझे बता रहे हैं, बहुत अच्छा, जिन जिन ने थर्ड बताया वो एकदम राइट,
ये तृतीय चतुर्थांश में होगा, मैं बहुत सारे आपसे पूछती हूँ। चलिए अब मुझे बताइए, ऋण एक धन पांच, ये कौन से में हुआ? उंगली से बताइए, दूसरे में। बिल्कुल ठीक, वेरी गुड, बहुत सही। ऋण एक धन पांच, बहुत अच्छा। छिंदवाड़ा, हराई, छिंदवाड़ा के बच्चे एकदम सही बता रहे हैं, वेरी गुड। और आगे बताइए मुझे। अब मैं पूछती हूँ, एक मिनट लिख देती हूँ मैं, पहला वाला ऋण चार ऋण तीन, चलिए बताइए। छुपा दिया मैंने, चलिए दिखा देती हूँ मैं। यहाँ पर धन धन था, यहाँ पर ऋण धन था, यहाँ ऋण ऋण था, और यहाँ पर क्या था? धन ऋण था। चलिए अब देख के बता दीजिए, अब कौन से में है ये? थर्ड, थर्ड में, वेरी गुड। धन चार ऋण तीन, चौथे में, वेरी गुड। धन चार धन तीन, सोच के बताइए, वेरी गुड। धन चार फर्स्ट में होगा, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग बहुत ध्यान से इसको देख रहे हैं, वेरी गुड। ठीक, तो ये आपको क्या पता चला कि कैसे भी बिंदु हम अंकित कैसे करें। एक और छोटी सी चीज है, वो भी आप देख लीजिए यहाँ पर। इसमें ये जो चित्र हमने पहले आपको दिखाया, इसमें हम दूरी की बात भी कर लेते हैं, ठीक है? ये जो बिंदु है 2, 3, ये वाई अक्ष से कितनी दूरी पर है? तो बच्चों, हम एक्स अक्ष पर जितना चले वो वाई अक्ष से दूरी ही तो चले हैं हम। तो जो पहला स्थिरांक होगा, निर्देशांक होगा, वो वाई अक्ष से दूरी को व्यक्त करेगा, और जो दूसरा होगा वो एक्स अक्ष से दूरी को व्यक्त करेगा। थोड़ा सोचो, हम सबसे पहले 2 चले, तो यहां भी तो 2 चले ना, और वाई अक्ष है हमारा ये, तो हमसे पूछा कि वाई अक्ष से दूरी बताओ, तो वाई अक्ष से हम कितनी दूर गए? वाई अक्ष से हम एक्स दूरी, एक्स अक्ष पर जितना चले उतना दूर हो गए। तो वाई अक्ष से दूरी मतलब एक्स पर जितना चले, तो वाई अक्ष से दूरी है 2, और एक्स अक्ष पर दूरी क्या हो गई आपकी? 3। ये भी चीज काफी इम्पोर्टेंट है कि एक्स अक्ष से दूरी और वाई अक्ष से दूरी भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है? तो बच्चों, यहां पर चारों चतुर्थांश, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, आपको पता हो गए। एक्स अक्ष वाई अक्ष पता हो गया, मूल बिंदु क्या होता है वो पता है, और साथ ही साथ एक्स अक्ष पर वाई का मान हमेशा 0 होगा। ये बात आप ध्यान रख लीजिए कि यदि मैंने कोई बिंदु यहाँ पर लिखा है तो आप फट से बता देंगे कि इसमें वाई यानी सेकेंड वाला तो 0 होना ही है, और सॉरी, एक्स 0 होगा यहाँ पर, और वाई का जो भी मान होगा हम वाई पर जितना चले। जब एक्स अक्ष की बात होगी और इस बिंदु के निर्देशांक की बात करेंगे तो हम कितना चले? 3 चले, तो इसके निर्देशांक होंगे 3, 0। यहाँ हम 4 तक आ गए तो 4, 0, यहाँ 5 तक आ गए तो 5, 0, यहाँ 6 तक आ गए तो 6, 0। यानी एक्स अक्ष के ऊपर सिर्फ एक्स का मान तो होगा लेकिन वाई हमेशा 0 होगा, और वाई अक्ष पर जब चलेंगे तो वाई अक्ष पर वाई का मान तो होगा लेकिन एक्स का मान सदैव क्या होगा? 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3। जैसे जैसे आप चाहते जाएंगे 0, 1, 0, 2, 0, 3 वगैरह वगैरह आपको मिलते चले जाएंगे, लेकिन ये सोचने की बात है कि जब हम वाई अक्ष की बात करेंगे तो वाई अक्ष पर एक्स के निर्देशांक 0 और एक्स अक्ष पर हमेशा वाई के निर्देशांक 0 होते हैं, ठीक है बच्चों? तो हम अगली कक्षा में फिर से मिलते हैं, और ऑल द बेस्ट आपको आपकी 6 माही परीक्षा के लिए। बहुत अच्छी तरीके से सोच के, पढ़ के, देख के अपने प्रश्नों के हल लिखिए आप, और बहुत अच्छे नंबरों से पास होइए। इसी उम्मीद के साथ आपके साथ हम फिर मिलते हैं, और नमस्कार।